बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टर्म्स रिलेटेड टू कॉनकेव मिरर। और इस टॉपिक में हम ये समझेंगे कि कॉनकेव मिरर में आपके पास पोल पॉइंट क्या है, अपर्चर क्या है, फोकस क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, ये सारी चीज़ें हमने इसमें अंडरस्टैंड करनी है। सबसे पहले हम इसमें पोल समझते हैं। ये आपके पास एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है। इस कॉनकेव मिरर का अगर हम मिड पॉइंट ले लें, जिससे ऊपर और जिससे नीचे आपके पास मिरर जो है वो सेम हो, इक्वल लेंथ की हो, तो ये पॉइंट जो इसका मिड पॉइंट है, ये आपके पास बेसिकली क्या है, पोल पॉइंट है। पोल आपके पास क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट ऑफ कॉनकेव मिरर। ये कॉनकेव मिरर का मिड पॉइंट होगा। पोल के बाद आपके पास है अपर्चर। अपर्चर इस ओपनिंग को कहते हैं, ये जो आपके पास ओपनिंग है इसको हम डायमीटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डायमीटर। अपर्चर क्या होता है, ओपनिंग ऑफ मिरर या डायमीटर, या आपके पास डायमीटर होता है या आपके पास ओपनिंग होता है। इसके बाद है फोकस पॉइंट। कॉनकेव मिरर के ऊपर जब भी आपके पास लाइट रेज इंसिडेंट कर लेते हैं, तो सारे रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद एक सिंगल पॉइंट के ऊपर क्या कर लेते हैं, मीट कर लेते हैं। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस पॉइंट। फोकस पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है, द पॉइंट ऑन विच रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट, वो पॉइंट जिस पर रिफ्लेक्टेड रेज आपस में इंटरसेक्ट कर लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट। अब इसके बाद आपके पास है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ आपके पास क्या है, देखिए ये आपके पास कॉनकेव मिरर, ये इसका पोल है, ये इसका फोकस पॉइंट है। फोकस और पोल के दरमियान ये जो आपके पास डिस्टेंस है इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। इसके बाद आपके पास है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर आपके पास क्या है, देखिए अगर मैं इस कॉनकेव मिरर को एक स्फीयर कंसिडर कर लूं, तो ये इसका सेंट्रल पॉइंट होगा, ठीक है, जो इसी कॉनकेव मिरर का पार्ट होगा। तो हम इसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं, द सेंटर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर विच इज अ पार्ट ऑफ ए कॉनकेव मिरर आल्सो। ये आपके पास पोल है, ये इसका सेंट्रल पॉइंट है। ऐसा पॉइंट जो किसी कॉनकेव मिरर का, कॉनकेव मिरर को अगर हम स्फेरिकल कंसिडर कर ले, तो इसका जो सेंट्रल पॉइंट होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और वो इसी मिरर का एक पार्ट होगा, ठीक है। या जब हम फोकल लेंथ को डबल कर लेते हैं, देखिए अगर आप फोकल लेंथ को डबल कर लेते हैं तो इससे जो आपके पास नया पॉइंट आता है, पॉइंट मैं लेंथ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, तो आपके पास सीओसी होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। इसके बाद आपके पास है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपके पास क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर
और पोल के दरमियान जो आपके पास ये डिस्टेंस है, ये आपके पास क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड सी, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड सी, ये आपके पास क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ऐसी लाइन जो आपकी पोल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर से पास हो जाए, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये वो सारे पॉइंट्स थे जो कनकेव मिरर में हमने डिस्कस करने थे।